skies of a different light. Why noise that keeps me up at night? I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay caught us off guard, but there was गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद बीएड बाबा। आज डेट है 20 जुलाई 2021। 20 है अब, कल तो मैच था ना इंडिया का भाई। आज डेट है 19 जुलाई 2021, क्योंकि कल 18 थी इंडिया श्रीलंका का मैच था पहला भाई। अभी सुबह के बज रहे हैं लगभग 5:30 में भी, 5:30-6। कैंप पैक कर रहे हैं और यहाँ से हम निकल रहे हैं पीछे की तरफ मान विलेज और उसके आगे मेरक विलेज, क्योंकि भाई खूबसूरती इधर तो है लेकिन उधर और होगी, क्योंकि उधर थोड़ा क्राउडेड है। हमें जाना था आज, कल जाना था मैं मीरक विलेज, लेकिन वाटर कैनल बहुत मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा था, फ्लो बहुत ज़्यादा था पानी का, क्रॉस नहीं कर पाए हम नाले को। तो प्लान किया कि इधर ही रुकते हैं, ब्रश के लिए पानी लाया तो ब्रश करना है और फिर बैक पैक करते हैं बस। थैंक यू भैया जी। तो गाइस बैक पैक कर लिया आप लोगों ने, और आई मीन कैम वगैरह सब पैक कर लिया, बाइक पर लोड कर दिया, बस चाय पी रहे हैं और चाय पी के निकलते सीधा मीरक, और यहाँ से 11-12 बजे निकलने का प्लान है। तो भाई आज हमारा निकला बैड लग, मौसम हो गया शेडी, सूरज ज़्यादा निकले नहीं तो पैंगोंग भी ब्लू नहीं दिख रही है। अभी हम यहाँ से आ रहे मीरक, हमारा बाइक लोडेड है, 3 बाइक हमारे पास, 350 हिमालयन और R15। गणपति बप्पा मौर्या मंगल मूर्ति मौर्या। दूल्हे जी मीरक क्या भैया, ठीक है अरे प्रवीण एंट्री तक आनी पड़ेगी उधर ऊपर पीछे पीछे हैं मैरिज जाने के लिए। हाँ प्रॉपर ऑफ रोडिंग है भाई, प्रॉपर ऑफ रोडिंग, बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है भाई। चलते हैं दिख जितना पहुँचते हैं भाई। ये है हमारा पैंगोंग का सबसे क्लोज इनकाउंटर, सारा पानी है। ये है पीछे हमारे पैंगोंग लेक। कल हमें इसी स्पॉट पे आना था कैंपिंग करने, लेकिन वाटर क्रॉसिंग वजह से हम नहीं आ पाए। कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो भाई ये है मान विलेज और सामने पैंगोंग, और उस रिवर के उस पार हमारी आर्मी बैठी है, और यहाँ से मेरे लगभग होगा 7-8 किलोमीटर दूर। लेकिन रोड बहुत गंदा है, प्रॉपर ऑफ रोड है स्पूनिक विलेज से। तो अभी हमें लग रही है बहुत तेज भूख, चाय के अलावा कुछ नहीं खाया है, टैक्सी अगर कुछ खाने को मिल जाए तो। यहाँ पे एक लोग घर है जो इनके पास जाके पूछ लेते हैं कुछ। दूल्हे जी अम्मा जी मान विलेज में कुछ खाने को मिलता है क्या, क्या? खाने को नहीं मिलता है कुछ नहीं है मान में, नहीं मिलता है मान बोलता है खाना खाए लेके एमी है वो बोल बनो बोलना के एमी नहीं है क्या पता। अच्छा उधर मीरक मिल जाएगा, मीरक अब कहाँ जाना, मीरक मीरक मेथी पीना है, हैं मेथी मेथी क्या, हाँ क्या है मेथी, मेकी 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 क्या है, मेकी का सुप्पा। अच्छा है आपके पास, आपको पीना है, बनाया आपने आज, बना आज थोड़ा सा पीऊंगा मैं। तो भाई अभी अंकल जी लस्सी पिला रहे हैं, लस्सी पी लेते हैं कसम से। आज मौसम काफ़ी शेडी हो रखा है, अगर धूप अच्छी खिली होती ना बहुत खूबसूरत विलेज है ये, और बहुत खूबसूरत है ये झील। क्या बात है यार, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं है क्या करें, कोई नहीं अम्मा जी कोई नहीं। तो अम्मा जी लाइए दही, मैं पहले चक्कर देखूंगा, सही थोड़ी खट्टी है। आंटी अंकल ने खिलाया हमें भाई दही और सत्तू, क्या बात है। दही खा ले, दही सुबह सुबह होता है ना पेट गुड़गुड़ाने लगता है। थोड़ा चिमना मिर्च रोड सर दूध दही नहीं पीता थी, थी पता क्या हुआ जो एक ये नहीं पीता घूम के आना था, हाँ ब्लैक रोड पे चलने के लिए खट्टा है नीचे से ले गया, हाँ
थोड़ा खतरा है, ऊपर चढ़ाने लग गया ऐसे रोड से। प्योर है ना लेकिन अच्छा है, प्योर है ना लेकिन अच्छा है। तो भाई सत्तू और दही ऐसे लग रहा है जैसे घर पे सत्यनारायण की कथा हुई है और हम खा रहे हैं चिमना मृत। मैगी ले लो भैया। थैंक यू आंटी जी। आवाज़ ऐसे निकल रही है, थोड़ा सा सत्तू लेता आंटी से। मैं ली गया, फटा हुआ है, कोई दूसरा पे नहीं है क्या? तो भाई आंटी से थोड़ा सत्तू पैक करा लिया, एकदम प्योर आटे का, खाएंगे दूध के साथ आराम से ले पहुंच के। Beautiful view, man. शायद मैं कुछ ज़्यादा ही खुशनसीब हूँ क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मेरे को दो दो तरह की पेंगोंग लेक देखने को मिलेगी। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा जब सूरज निकला हुआ था, पेंगोंग लेक पूरी की पूरी नीली थी। Oh my God, look at the view, man. लेकिन आज हल्का सा ग्रे वेदर है तो पेंगोंग लेक का कलर थोड़ा सा ग्रे है। बहुत चेंजेस आते हैं जैसे वेदर चेंज होता है, तो ये मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। खाना भी बना दिया। हाँ भाई बच गया, अभी बाइक गिर गई थी। तो भाई यार लोकेशन कितनी खूबसूरत है आ रही है, कितनी खूबसूरत जगह है ना। मस्त लोकेशन यार कैंपिंग के लिए। अरे होम स्टे का पूछा कितना रहती है? तो सही है, तो सही लिखा था यार। हाँ। और भैया हॉट वाटर भी है इनके पास। कुछ खत्म हो जाए। हमारी झूले कैसे हैं आप? अम्मा होम स्टे आपका ही है? होम स्टे आपका ही है? अच्छा हूँ मैं। रूम है? रूम सब नहीं होता है, एक रूम है। हैं? कितने का है? एक बंदे के लिए? हाँ। कितने का है? एक आदमी तो 800। 800? हाँ। ज़्यादा ले रही हो अम्मा। 500 लग जाएगा? नहीं। है? नहीं लगेगा। एक ही बंदा है बस, एक ही रहेगा। एक ही? हाँ। नहीं नहीं कुछ बिना खाने के नहीं खाने। हाँ नहीं खाने के हो जाएगा। ठीक है ठीक है, हम आते हैं अभी घूम लेते हैं पहले, देखते हैं फिर चल। और खाने के साथ 800 देखते हैं अभी। घर कहाँ है आपका? अच्छा इस विलेज में कितने घर हैं? 40 40 घर हैं। कितनी पॉपुलेशन होगी यहाँ पे? पता नहीं, लगभग होंगे 100-150 लोग रहते होंगे। होगा। यहाँ से बॉर्डर कितना दूर है? वो तो उधर ही काला काला पार है ना। हाँ हाँ उसी का। अच्छा उसके आगे बॉर्डर है। हाँ। अच्छा अब कहाँ जाएंगे? मैं तो ले से आया हूँ। आप लोग अभी मीरक में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे जो होम स्टे का चार्ज है वो पर हेड लेते हैं 700-800 इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर। इस गांव में 40 घर हैं, लगभग 100-150 लोग रहते होंगे। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक गांव है शिशुल और उसमें 150 घर हैं और उससे 15-20 किलोमीटर आगे आर्मी एरिया है। अंकल जी बोले हैं उस पहाड़ पर जाने के लिए बाइक से। आज अंकल हम उधर ही वापस ले जा रहे हैं। आगे गोम्पा है लेकिन वो बंद है ड्यू टू कोविड में भी, लेकिन रोड काफ़ी ख़राब है। चलते हैं, प्रवीण और हिमांशु पीछे ही हैं। लेकिन अंकल से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अपने उधर कैंप लगाया था तो अंकल की जगह थी जहाँ पर हमने कैंप लगाया था। थैंक यू अंकल। आपको नुबोंग में आपको थैंक्स बोलना भूल गए थे हम। जैसे यहाँ पे 40 घर हैं यहाँ पे। और कितनी पॉपुलेशन होगी यहाँ पे? यहाँ पे 380 तक है। 380 पॉपुलेशन है जी। दोस्तों बता दूँ मीरक आखिरी विलेज नहीं है, चुशुल आखिरी विलेज है और चुशुल से 15-20 किलोमीटर आगे पड़ता है आपका बॉर्डर, पड़ता है इंडो चाइना बॉर्डर पड़ता है जहाँ पे अपनी इंडियन आर्मी है। बहुत बढ़िया अंकल, आप विंटर में इधर रहते हैं? हम विंटर में भी यही रहते हैं। कैसे कैसे मैनेज करते हैं? लेक तो सारा जम जाता होगा फ्रोजन? लेक तो जम जाता है, -30, -34, -40 तक आ जाता है। -40 तक? कैसे रह लेते हैं आप -40 में? -40 में वो खुशबू होता है, -40 बढ़ जाता है, हवा चलता है, खुशबू होता है।
वेदर तो इतना वो नहीं होते। अच्छा थोड़ा सा ड्राइनेस रहती है खुश। अच्छा तो आप मतलब सब्जियां सब्जियों का तो यही सीजन है फार्मिंग का, तो विंटर में क्या करते हैं, अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं विंटर में? हम दाल सब्जियां निकल जाते हैं कोई, हम ग्रीन हाउस में सब्जियां जैसे कौन कौन सी निकालते हैं? पत्ता शिता निकल जाते हैं, पत्ते हरे पत्ते, पालक सलाक। अच्छा पालक हो गया, गोभी हो गया, और कौन कौन सब्जियां होती हैं यहाँ पे? यहाँ पे गर्मी में तो सब कुछ होता है। तो आप सब्जियां स्टोर कर रखते हो विंटर्स के लिए? विंटर के लिए थोड़ा सूखा कर रखते हैं। अच्छा सूखा कर रखते हो 10-15 महीने के बाद एक, या फिर पल्स वगैरह पर डिपेंड रहते हो, बीन्स वगैरह पे, दाल हो गया, राजमा हो गया। भाई सच में ऐसी लाइफ देखे यहाँ पे, टेम्परेचर यहाँ पे टेम्परेचर जाता है -30 -40 तक। अंकल बोल रहे हैं वेदर ठीक रहता है लेकिन थोड़ा सा हवा चलता है और थोड़ा ड्राइनेस हो जाता है, खुश रहता है वेदर। लेकिन भाई -40 में स्टिल सर्वाइव करना इट इज़ नॉट लेस देन अ चैलेंज, क्योंकि जो पूरा पेंगोंग लेक है पूरा फ्रोजन होता है। अभी दोपहर के 11 बज रहे हैं और टाइम हो चला यहाँ से निकलने का, लेकिन हिमांशु शायद ही रुकने वाला है ना रुकने वाला है। और यहाँ पे स्टे अगर आप आ रहे हो पेंगोंग साइड तो आपको सजेस्ट करूँगा मीरक में आओ, क्योंकि यहाँ पे स्टे आपको थोड़ा सस्ता मिलेगा एज कम्पेयर टू जितना कैंपिंग साइड है लोग बुक, पता नहीं क्या नाम है भूल गया मैं, तो वहाँ पे आपको चार्ज करेंगे वो 1500-1200 फॉर सिंगल पर्सन। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 800 में स्टे इंक्लूडिंग डिनर एंड ब्रेकफास्ट। बाय। ऑफ रोडिंग के लिए ये जगह बहुत प्यारी है, और भाई पेंगोंग लेक की एक खासियत और है, आपको अगर स्विमिंग आती है तो कर सकते हो, थोड़ा खारा पानी है लेकिन मज़ा आने वाला है। भाई मेरा बंजी कॉर्ड खुल गया और मेरा एक आर्मर भी गिर गया। अबे यार हेलो तू मेरे पीछे तो देखा नहीं करता हुआ सरप्राइज मदरफकर फक यू। तो भाई गिरा नहीं बस उसको मिल गया। तो तू मेरे से आगे क्यों चल रहा था? आगे क्यों चल रहा था? कब गिरा था ये गिरा जहाँ पे जब निकले तभी निकल गया था, मैंने आवाज भी लगाई हॉर्न भी दिया तूने शीशे में देखा भी। ऊपर देख भाई साहब बारिश शुरू हो गया है लेकिन सामने धूप निकला हुआ है, तो मेन रोड का रास्ता तो बंद कर रखा था, ये ऑफ रोड जाना पड़ेगा अभी हमें। लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्लांट मैन अमेजिंग। 3 Idiots का लोकेशन जहाँ पे आमिर खान ड्रोन उड़ा रहा था। तो भाई मौसम हो गया बहुत खराब, आंधी तूफान बारिश होने लगा है, थोड़ी देर रुकते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। चलो भाई मौसम अब खुल गया है, एक मिनट रुक जा यहाँ से निकलते हैं। ले है यहाँ से 115 किलोमीटर, ये है दोरबुक और यहाँ से ले है 110 किलोमीटर। बादल देख रहे हो पहाड़ के ऊपर, बादल ये क्या हो गया भैया? क्लच प्लेट लगता है खराब हो गया, गाड़ी बढ़ नहीं रही है, इतना भी रेस तो बढ़ नहीं रही है।
कौन सा ये है क्या? हम लोग तो गुड़ी फंसे हैं, अभी चांगला जाना है हम लोगों को। अब जाना ले है, ले जाना है। कैसे जाए कुछ समझ में नहीं आ रही, गाड़ी छोड़ देंगे, कुछ रहता अभी मार्केट में तो दुकान लगा के चल देते, कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा अभी। क्लच केबल जाते, क्लच प्लेट इतनी जल्दी नहीं जाता है इसका। तेरे पास है ना एक एक्स्ट्रा? देखता हूँ, रुक जा। निकलस क्लच तो सही है, क्लच ऐसा होता ही नहीं इसका। यही तो भाई वायर चल तो रहा है, एक भी रुक जा। ये रहा वायर, ये रहा ना, हैं कहाँ गया? अरे क्लच ये रहा ना, साइड आता है। अच्छा हाँ, ये तो क्लच है, ये होता है। हाँ ये रहा, सही है तो भाई। गाड़ी फंस, एक मिनट रुकना, चला के देखिए। यह टॉप करते तो रुक प्लीज, तेल पूरा है यार, भर हुआ है यार, तेल तो पूरा है। ए भैया को ठेलो गाड़ी पीछे से, चलो ना ना, रुको रुको। हाँ अब तो धक्का, हमको लगता है दो ढाई घंटा हम लोग फंसे, कोई हेल्प नहीं कर रहा है वो, तेल तो निकाला शायद तेल है। कभी कभी गैस बन जाती है टैंक में। कौन गलत है वो, अभी हमने तेल निकाला है ना इसलिए। अच्छा अच्छा, हमको लगा पानी उनी अगर गया होगा तो पता चलेगा। तरीका है चौक खींच के ले जाओ चांगला तक, चांगला से 15-20 होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि चांगला के नीचे स्लोप है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, कैरो तक पहुंच जाएगी आराम से। चाहे तो इस बाइक पे एक ही बिठाओ बस, एक ही है, एक ही है ना, और पैर रख दो पीछे दो बाइक से, पहुंचा दो। ऐसे नहीं हो पा रहा है, आप पे टूल किट नहीं है भैया? आप वाले में टूल किट नहीं है? टूल किट से क्या होगा इसका, चौक में तो कोई ये जो एक ये प्लाग, होता प्लाग, है प्लग में तो लगाएंगे ना गाड़ी बंद, फिर बाद में चलेगा नहीं एक टाइम को। ना 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 ना, प्लग से कोई दिक्कत नहीं है, पिकअप नहीं होता यार इनमें, ये जो गाड़ी है ना नकली है, साली है, पिकअप नहीं होता ना, 300 cc। मैं जानता हूँ कैसे ला रहा हूँ मैं अपनी को, 10 की स्पीड पर खींच रहा हूँ, छोड़िए कोई दिक्कत नहीं, क्या कर सकते हैं बताओ। पिकअप नहीं ले रही थी, थोड़ा पिकअप का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, चल रहा है ना, चला जाओ। हैं क्या कह रहे हैं? कंप्लीट करके वहाँ पेट्रोल भरना है ना। ठीक है मैं निकलता हूँ।
क्यों? हर हर महादेव। बहुत गंदा वाटर क्रॉसिंग है ये, जूते वगैरह सारे भीग गए, पैर सुन हो चुके हैं और हालत बहुत खराब हो रखी है। बहुत गंदा ठंड लग रहा है। प्रवीण की बाइक गिर गई थी कसम से यार, मैं भागता हो गया इसको बचाने। अब पैनियर से लैपटॉप रखा है, क्या लगता है अपनी ये ट्रिप कंटिन्यू हो पाएगी नहीं हो पाएगी? अगर लैपटॉप सलामत रहा तो ट्रिप कंटिन्यू, अदरवाइज श्रीनगर घर परसों। पैर एकदम सुन हो चुके थे मेरे को, अपने जूते निकाल के बाइक में मैंने अटैच कर दिए, और क्या ऑप्शन नहीं था। और मेरा ये भी लूज हो गया यहाँ से, तो मैंने इसको दोबारा एडजस्ट किया, दोबारा टाइट किया इसको, फिर लगे इसको। चलो तो धूप भी खिल गई है, प्रवीण नीचे निकल गया है, चलते हैं अभी। तो भाई सत्तू और दही, ऐसा लग रहा है जैसे घर पे सत्यनारायण की कथा हुई है और हम खा रहे हैं चिमना मृत। खा रहा हूँ। अब करिए एडिट में।